BHK की बड़ी बंगलो चाहिए, जमीन के साथ चाहिए, खुद का छत चाहिए, खुद का पार्किंग चाहिए, वीडियो पूरा जरूर देखना। तो रेंट वाले लोगों के लिए तो ये सख्त हिदायत है कि अपनी प्रॉपर्टी खरीद लो। कब तक किसी और के घर पे रहने वाले हो, कब तक किसी और को अपना कमाया हुआ पैसा देने वाले हो, खुद का घर खरीदो, खुद का घर में इन्वेस्ट करो, डिजाइन करो, सजाओ, वो आप ही का रहेगा हमेशा, और बेचने पे रिटर्न भी देके जाएगा। तो कब तक बैंक में पैसा रखोगे, कब तक लोन बेनिफिट्स का फायदा नहीं उठाओगे, ये सब सुविधा। नमस्ते, वेलकम बैक। और आज का वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी बताऊंगा, और साथ ही जिन्होंने अब तक प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है उनके लिए भी बताने वाला हूँ कुछ बेहतरीन सी बातें जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सब्सक्राइब कर ले हाउसिंग कंसल्टेंट को एंड फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके लिए ही बताया जाता है, क्योंकि आप अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सको और सही समय पर खरीद सको, इसलिए प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको हमारे चैनल यानी कि हाउसिंग कंसल्टेंट पे हमेशा अपडेटेड मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी की जो आपको खरीद लेनी चाहिए, जो कि अगर आप बजट फ्रेंडली ढूंढ रहे हो। तो सबसे पहले आती है जो कि 20 लाख की प्रॉपर्टी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो है कोला कुसमा में। पहले वहां पे 2 फ्लैट्स अवेलेबल थे इस रेंज के, अब सिर्फ एक बची है, 20 लाख की है, सेकंड फ्लोर पे है। खरीदने के लिए कांटेक्ट कर लो, क्योंकि नई नवेली है, नई पेंट के साथ, सीलिंग के साथ, काम की हुई पार्किंग के साथ मिलेगी। 20 लाख से सस्ती प्रॉपर्टी आपको 2 BHK में नई नवेली विद कार पार्किंग, जनरेटर, लिफ्ट, डायरेक्ट फर्स्ट हैंड आपको नहीं मिल सकती। तो इस रेंज में कोला कुसमा में एक फ्लैट अवेलेबल है, इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। इसके बाद अगर थोड़ी सी बड़ी चाहिए और, तो आपको मिलेगी 965 स्क्वायर फीट की कुसुम विहार में। और थोड़ी सी अच्छी फ्लैट चाहिए तो स्टील गेट में भी मिल सकती है, सस्ते में भी, और लोकेशन फ्रेंडली चाहिए तो 888, 942, 972, 918 स्क्वायर फीट, यानी कि अलग अलग 4 साइज में आपको फ्लैट्स मिल जाएंगे। 23, 24, 25, 25.5 के रेंज में आपको मिल जाएंगे विथ इंक्लूडिंग कार पार्किंग। नई नवेली फ्लैट है, नई सोसाइटी बन रही है, जनवरी तक हैंडओवर दी जाएगी, और ये भी प्रॉपर्टी आपके लिए बेटर हो सकती है जो कि स्टील गेट सरायढेला में पड़ती है। तो स्टील गेट सरायढेला लोकेशन में जो ढूंढते हैं, तो मेन रोड पर तो ढूंढो मत, क्योंकि वो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके रेंज में आएगी नहीं, और अगर आएगी तो फिर वो हायर रेट की होगी, जो हायर क्लास के लिए होगी। अगर लोअर बजट वाले लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, मेन रोड से स्टील गेट सरायढेला यानी कि प्रगति नर्सिंग होम से 1 किलोमीटर अंदर बहुत अच्छी सोसाइटी, काफी सारी सोसाइटी वहां बनी हुई है, वही लोकेशन में आपको काफी सारे आपको बिल्डिंग्स मिल जाएंगे। वहां पे एक सोसाइटी बन रही है जो कि ये वाली आपको मिल जाएगी, कम बजट में 2 BHK की सोसाइटी ही है वो। 3 BHK की चाहिए तो भी कुसुम विहार में मिल जाएगी, 3 BHK की चाहिए तो कार्मिक नगर में मिल जाएगी, 3 BHK की भी फ्लैट चाहिए तो मिल जाएगी। बाबूडी में भी एक फ्लैट है यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के पास, वहां भी चाहिए तो 3 BHK मिल जाएगी। जमीन चाहिए तो जमीन भाई साहब अभी है, कोला कुसमा में भी जमीन मिल रही है, जो कि मिलेगी नहीं, अभी मिल रही है, तो खरीद सकते हो जमीन कोला कुसमा के अंदर। 9 लाख रुपए कट्ठे भी हैं, 8.5 लाख रुपए कट्ठे भी हैं, दोनों रेंज जो लास्ट प्राइस बता रहा हूँ याद रखना। ये दो रेंज के आपको प्रॉपर्टी, एक 2.5 कट्ठे का प्लॉट है, एक 5 कट्ठा का, जिसमें से आप 2.5 कट्ठा भी ले सकते हो, दोनों बजट आपको बता रहा हूँ मैं, तो आप सजेस्ट कर लेना अपने हिसाब से अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद शक्ति नगर, ये हीरक रोड 8 लेन में भी 2 प्लॉट मैंने बताई, एक 12 लाख रुपए कट्ठे रोड के पास है, एक थोड़ा सा अंदर जाओगे तो 8 लाख रुपए कट्ठे कॉर्नर मिल जाएगी, दोनों प्लॉट वहां पे भी प्लॉट अवेलेबल है। तो ये सारे आपके रेंज में आती है। एक आपको प्लॉट है टीचर्स कॉलोनी में 7.5 लाख रुपए कट्ठे में, एक आपको प्लॉट है बिफोर मंदिर से जो CMPF के रास्ता जाता है वहां से 1 किलोमीटर लगभग अंदर की ओर जाएंगे तो वहां पे 8 लाख रुपए कट्ठे भी प्रॉपर्टी है, 2.5 कट्ठे की जमीन है, मिल जाएगी वहां पे भी। तो ये सारे रेंज की आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो अपने लिए। और जिन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ क्या आपका लॉस हो रहा है। कुछ प्रॉपर्टीज जो खरीद लिए हैं वो अपने घर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा एक अच्छा टाइम है, दिवाली तक आप अच्छे घर में अपने शिफ्ट हो सकते हो, गृह प्रवेश कर सकते हो। कल ही मैंने एक गृह प्रवेश में सम्मिलित हुआ, बहुत अच्छा लगा। लोगों के अंदर एक खुशी होती है जब वो अपना प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो रेंट वाले लोगों के लिए तो ये सख्त हिदायत है कि अपनी प्रॉपर्टी खरीद लो। कब तक किसी और के घर पे रहने वाले हो, कब तक किसी और को अपना कमाया हुआ पैसा देने वाले हो, खुद का घर खरीदो, खुद का घर में इन्वेस्ट करो, डिजाइन करो, सजाओ, वो आप ही का रहेगा हमेशा, और बेचने पर रिटर्न भी देके जाएगा। तो कब तक बैंक में पैसा रखोगे, कब तक लोन बेनिफिट्स का फायदा नहीं उठाओगे, ये सब सुविधा सरकार आपको दे रही है, ये सब सुविधा हाउसिंग एजेंट आपको दे रही है कि बैठे बैठे आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी मिल रही है, बैठे बैठे प्रॉपर्टी ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, बैठे बैठे रेंज भी आपको मिल जा रही है। आपको वीडियो देखना है, उनमें से टाइम निकाल के सजेस्ट करना है कौन सा आपको पसंद आया, विजिट करो और फाइनल करो ना। एग्रीमेंट, रजिस्ट्री, लोन सब तो हम करा रहे, अब नहीं खरीदोगे तो ऐसा फिर मौका नहीं आएगा। खरीद लो, जो खरीद रहे हैं उनसे जाके पूछो, उनसे जाके मिलो, जिनकी गृह प्रवेश में जाते हैं लोग ना, उनकी खुशी देखने वाली होती है, उनकी फैमिली के अंदर खुशी जो होती है ना वो आप महसूस नहीं कर सकते वो रेंट वाले। तो रेंट वाले अगर अभी भी रेंट पे रहना खोज रहे हो, प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, बस लेना नहीं सोच रहे हो, तो आप बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि बाद में प्रॉपर्टी महंगी मिलते जाएगी।
2020 में मैंने काम स्टार्ट किया था, 2020 में जो प्रॉपर्टी मिल रही थी वो मैंने भी मिस किया था, वही सोच के आज अफसोस हुआ था मुझे, फिर मैंने महंगी खरीदी बाद में। आप लोग भी वो गलती करोगे, बाकी लोग जो गलती कर रहे हैं वो मत करो। 23 के बाद 25 में मार्केट बहुत ऊपर भागेगा, फिर आप संभाल नहीं पाओगे उस रेंज में खरीदने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ रियल स्टेट मार्केट अब बहुत जल्दी बूम कर रहा है, बहुत स्पीड से कर रहा है, सस्ती कुछ मिल रही है, खरीद लो, बाद में पछताते रह जाओगे। लोन इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होगा क्योंकि एफडी रेट बढ़ रही है। ध्यान रखो, जब एफडी रेट आपको मिल रही है तो समझ जाओ कि लोन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी ही, लोन का इंटरेस्ट मिलता ही इसी बेस पे है एफडी के रेट से ही। ध्यान रखो भाई, थोड़ा सोच समझ के काम करो, खरीद लो, अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है 20 की, 23 की, 24 की, 25 की, 3 BHK 24 की दे रहा हूँ। अब क्या चाहिए, क्या ढूंढना चाहते हो, 5 लाख में चाहिए तो और क्या चाहिए, मिल रही है खरीद लो। जमीन चाहिए मिल जाएगी, हाउस चाहिए इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए, पता है आपको 35 लाख में नहीं बना के दूंगा, 35 लाख में, वो भी बिफोर्ड मंदिर के पास द्वारका सिटी सोसाइटी में, 35 लाख में डुप्लेक्स कोई दे रहा बना के, दे रहा हूँ, फिर भी आप घूम रहे हो मार्केट में, घूमते रहो। आपको नई नवेली चाहिए डुप्लेक्स, बंगलो दूंगा, चलो बंगलो दूंगा 45 लाख में, 4 BHK की बंगलो, नई नवेली, फर्स्ट हैंड, घुसोगे डायरेक्ट, लोन होगी उसमें बनी बनाई, चलो आपको वेट नहीं करना है, बनी बनाई चाहिए, बनी बनाई दूंगा 45 लाख में बंगलो, 4 रूम का, 3 बाथरूम के साथ, मिलेगी ऐसी, नहीं ले हो रहे हो, 70 लाख में बाद में खरीदना, फिर अफसोस करते रहना इतना महंगा हो गया, मिल रही है तो खरीद लो ना भाई, क्यों डिले कर रहे हो, अपने लिए ही कवर खोद रहे हो, बाद में यही सब पैसा बर्बाद जाएगा आपको दूसरों को देने में, समझ बूझ लो। अगर खरीदनी हो ध्यान लगाओ, जमीन भी है, लैंड भी है, फ्लैट भी है, बंगलो भी है, डुप्लेक्स भी है, सारे ऑप्शन मोबाइल पे मिल रही है, सजेस्ट करो, खरीदो और विजिट करो, यही करना है आपको बस। तो चलिए सब्सक्राइब करिए, ये कड़वी सच्चाई है बट ये आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि रेंट वाले नहीं समझ रहे, या फिर जिनको इन्वेस्ट भी करना है वो भी अगर नहीं समझ रहे, अगर 2020 में इन्होंने इन्वेस्ट किया या 2021 में, तो आज ही उनको 5-10 लाख फायदा मिलता, और अभी भी नहीं करोगे तो फिर 2025 में भी फायदा मिलेगा नहीं, यही आपको मैं समझाना चाह रहा था। तो चलिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, थैंक यू।